हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए हमें 1 कप दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है, कुछ आइस है, ये शुगर है और ये कॉफ़ी, और उसके साथ मैंने 1 कैडबरी चॉकलेट भी ली है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी ली है। इसमें एकदम गर्म पानी डालकर हम एक अच्छा सा घोल बनाएंगे। कॉफ़ी को अच्छे से इससे घोलेंगे जिसमें सारी कॉफ़ी जो है वो अच्छे से घुल जाए और एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाए। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। ब्लेंडिंग जार में मैंने एकदम चिल्ड दूध लिया है, एकदम ठंडा दूध लीजिएगा। उसमें मैंने शक्कर, 2 चम्मच शक्कर डाली है। मैंने ये पाउडर शुगर डाला है, आप वैसे शुगर भी ले सकते हैं। ये कुछ आइस क्यूब हो गए। अब सबसे पहले हम एक ग्लास तैयार करते हैं। मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है और उससे हम अपनी ग्लास को डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ग्लास को अच्छे से डेकोरेट कर लिया। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं जिससे चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए। अब इस घोल में मैंने कॉफ़ी पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारे पास ये कैडबरी चॉकलेट है, हम इसे भी डाल देते हैं और सब चीज़ों को हम अच्छे से चलाएँगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। ये देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी है जो एकदम, इसका टेक्सचर देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनी है। और जो ये कोल्ड कॉफ़ी के ऊपर जो झाग थी, हम उसे भी अच्छे से पोर कर देंगे। आप इसे बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हैं। मैंने बिना आइसक्रीम के बनाई है और ये बहुत ही यमी लगती है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर देती हूँ। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी पोर कर सकते हैं और इन्जॉय करिए। हमारी सेकंड ड्रिंक जो है वाटरमेलन शेक बना रहे हैं हम। मैंने ये फ्रोज़न वाटरमेलन लिया है जो मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए। वाटरमेलन पहले वैसे भी मीठा होता है, इसलिए मैंने शक्कर कम इस्तेमाल की है। और ये 1 कप दूध हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी हनी भी डाल रही हूँ और 1 चम्मच जो है वो हनी डाल देते हैं। आप बिना शक्कर के भी इसे बना सकते हैं सिर्फ हनी डालकर। और ये है एक छोटा सा मिल्क पाउडर, 5 रुपए का मिल्क पाउडर है। मैंने मिल्क पाउडर डालने से काफ़ी क्रीमी बनता है। और ये हमने सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड कर ली और ये हमारा वाटरमेलन शेक जो है रेडी है। बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, इसे आप ज़रूर इन्जॉय करिएगा। इन्जॉय इट। और ये है हमारी ठंडी ठंडी ग्रेप्स की ड्रिंक जो बहुत ज़्यादा यमी लगती है। चलिए आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी अंगूर लिया है, कुछ मिंट लीव ली है, ये शक्कर और ये भुना हुआ जीरा और नमक और ये नींबू का रस। और हम एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं, उसमें हम सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं, उसमें हमने 1 कटोरी अंगूर डाला है। मैं सिर्फ 1 ग्लास बना रही हूँ इसलिए छोटा सा कटोरी, 1 कटोरी अंगूर डाला है। ये शक्कर, ये 2 चम्मच शक्कर है, कुछ मिंट लीव्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये है नींबू का रस। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। ये भुना हुआ जीरा और काला नमक दोनों मिक्स है। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये कुछ आइस क्यूब भी, ये तो भूल गई थी मैं डालना। चलिए इससे सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और मैंने 1 ग्लास लिया है, उसमें 2 अंगूर के पीसेस से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया और ये हमारी यमी सी ड्रिंक तैयार रेडी है। और ये समर में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए हम अपनी दूसरी ड्रिंक बनाते हैं। ये है ग्रेप्स मिल्क शेक। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मिल्क ग्रेप्स लिया है और ये 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच शक्कर डाल दी है मैंने इसमें। अब इसमें मैंने ये फ्रेश मलाई इस्तेमाल की, हम इसमें आइसक्रीम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये एकदम चिल्ड दूध है, उसे इस्तेमाल किया है। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, मैंने आइस क्यूब स्किप किए हैं। और ये देखिए हमारा ग्रेप्स मिल्क शेक जो है रेडी है। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। गर्मियाँ आते ही हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है ना, तो ये आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देगा। ये बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और जो ऊपर जो झाग थी ना, मैंने उसमें पोर कर दी है।
ओह, ये हमारी ड्रिंक जो है वो रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए हम अपनी चौथी ड्रिंक बनाते हैं। इसके लिए मैंने 3 ओरियो बिस्किट लिए हैं। ये 10 रुपये के ओरियो बिस्किट हैं। ये 2 ग्लास ओरियो, इससे 2 ग्लास शेक्स तो आराम से बन जाता है। इसको मैंने एक ब्लेंडिंग जार में, हम अपने बिस्किट 2 पैकेट बिस्किट लिए है और इसे क्रश कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा महीन पाउडर बना लेते हैं। ये 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं मैंने, 1 पैकेट बिस्किट अभी शेक के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ऐसे पाउडर फॉर्म में इसे बना लिया है। हम इसमें अपनी ग्लास जो है वो डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने मिल्क में इसे डिप कर लिया है और इसे हम साइड में अच्छे से बिस्किट की कोटिंग करेंगे साइड साइड में। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी दोनों ग्लास को अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। ये हमारी ग्लास जो है वो डेकोरेट हो गई है। अब मैं एक ब्लेंडिंग जार ले रही हूँ। इस ब्लेंडिंग जार में मैंने 1 कप जो है वो चिल्ड दूध लिया है, एकदम ठंडा ठंडा दूध लीजिएगा। अब इसमें हम ओरियो बिस्किट्स जो हैं वो 3 ओरियो बिस्किट जो है वो ऐसे टुकड़ों में मैं तोड़ तोड़ के डाल दे रही हूँ। अब ये कुछ बिस्किट का जो चूरा था ना, जो हमने फर्स्ट में पीस कर रखा था, हम उससे भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब मैंने 1 चम्मच जो है वो फ्रेश मलाई ली है, ये एकदम चिल्ड मलाई ली है मैंने, और 1 ही चम्मच जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम भी ली है। आप बिना आइसक्रीम के भी इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी लगता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली है। बिस्किट भी मीठी है, चॉकलेट भी मीठा है, इसलिए मैंने ज़्यादा शक्कर नहीं इस्तेमाल की है। आप स्किप भी कर सकते हैं या और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और हमारी ये दोनों ग्लास जो डेकोरेट की थे ना, हम उसमें पोर कर देंगे। ये देखिए, है ना यमी, सो यमी लग रहा है ना, एकदम यमी। चलिए अब हम इसमें कुछ डेकोरेट कर देते हैं ग्लास को अपनी। सबसे पहले मेरे पास ये चूरा है। ये जो बिस्किट का चूरा बनाया था ना, हम उसके ऊपर इस पर अच्छे से पोर कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये बिस्किट का जो क्रम था उसके वो थोड़े से उसके ऊपर डाल दिए हैं। तो ये अच्छा लग रहा है ना, एकदम डार्क ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन। आप इसी तरह से इसके सारे उसमें कवर कर दीजिए। और ये वाइट चॉकलेट जो थी ना, जो बीच में होती है बिस्किट के, वो मैंने निकाली है, हम उसे भी डाल देते हैं ऊपर। और ये कुछ बिस्किट्स जो है, मैंने 1-2 बिस्किट जो है बचा लिए थे डेकोरेट करने के लिए, तो अब हम उसे डेकोरेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यमी लगती है। और अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ना, ओरियो मिल्क शेक हमें ऑर्डर करते हैं, तो आप घर पे आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने बाहर से नहीं मंगाया है। ये बहुत ज़्यादा यमी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।